strength. ARR vale Islam. 3. ARR 0. ठीक है, अब ये चीजें तो क्लियर है आपको कि इसको एक दफा प्रिंट करना हो तो कोई भी एक इंडेक्स लूप में रखना है तो सारा प्रिंट हो जाएगा। Mark, Smith, Steve, जो भी डेटा है इसी तरह से प्रिंट होगा। अगर इसको इस तरह रखे हम स्ट्रिंग कंप्लीट इक्वल टू एम्प्टी, जैसे सम करवा रहे थे वैसे कंप्लीट प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई और कंप्लीट, तो इसमें एक ही लाइन में सारा इस तरह से कर देगा बिल्कुल मर्ज करके। यहां स्पेस दे के इस तरह कर दूंगा, जूम कर दूंगा। ठीक है, ये तो बेसिक टेक्निक्स हैं, ये चीज़ें तो आप कर लें। इस पे आते हैं आगे हम, इसमें क्या करते हैं हम के एरे को सिंपल प्रिंट करवाते हैं। और इसमें थोड़ा डेटा और ऐड कर, थोड़ा सा लगे नजर आए। ठीक है, इंडेक्स नहीं बढ़ाता तो एक्सेप्शन दे देता। ठीक है, डेटा प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले जीरो पे मार्क, फिर स्मिथ, फिर स्टीव, फिर जॉर्ज, एंड्रयू जॉर्ज। जो ऑर्डर वही है वही ऑर्डर प्रिंट हो रहा है। रिवर्स करना है लूप उल्टा चला देंगे, रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। अब एरे के अंदर जावा में हमारे पास एक फैसिलिटी है कि इस एरे को हम सॉर्ट कर सकते। सॉर्टिंग कहते हैं ए टू जेड, जेड टू ए, सॉर्टिंग ऑर्डर में। वो एरे की फैसिलिटी नहीं, वो जावा फैसिलिटी देता है। एरे का कोई तरीका नहीं है सॉर्टिंग का कि खुद अपने आप को सॉर्ट कर। जावा के अंदर एक क्लास है एरेज नाम से, ये इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं जो कि एरे पे अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो एरे में मौजूद नहीं है। सॉर्टिंग नहीं है तो ये सॉर्टिंग करके दे देगा आपको। इस क्लास का एक मेथड है सॉर्ट, वो एरे को सॉर्ट करके दे देगा। हमें सिर्फ इतना लिखना है एरेज डॉट सॉर्ट ब्रैकेट में एरे का नाम, बस इतना। इस मेथड को मैं लगा देता हूं प्रिंटिंग से पहले यहां पर। ठीक है, अच्छा ये जो क्लास है ना एरेस, ये आपकी मौजूद है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर, तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना ऊपर, या तो डायरेक्ट नीचे लिख लो या ऊपर इंपोर्ट कर लो। अब प्रिंट करके देखते हैं अरे कि अब कैसा आ रहा है। पुराना ऑर्डर ये था, अब देखें न्यू ऑर्डर, एंट्री पहले आ गया, ए से आता है जॉर्ज, मार्क, स्मिथ, स्टीव।
ये पूरा ऑर्डर में, ठीक। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में करने का नहीं है, आप इसको रिवर्स प्रिंट करवा सकते हैं लूप उल्टा चला के, सही समझ आए? अच्छा, इसमें क्या करता है कि आपका जो ओरिजिनल एरे है ना, उस पूरे को चेंज कर देता है कि मैं यहां ये प्रिंटिंग इस तरह नहीं करवा रहा, मैं लिख रहा हूं सिस्टम डॉट प्रिंट एआर ऑफ जीरो, पहला एलिमेंट प्रिंट करे। तो पहला एलिमेंट एंट्री, हालांकि मार्क था वहां पर, सॉर्टिंग के बाद ऑटोमेटिक एंट्री को जीरो पे लेके चला गया, तो उसने ऑर्डर ही चेंज कर दिया पूरा। अब हमें नहीं पता किस ऑर्डर पे कौन सा है, सही है? तो ये सॉर्टिंग है अरे। अगर ये सॉर्टिंग न्यूमेरिक एरेस पे करेंगे इंटीजर वाले पे, तो उसमें सबसे छोटा नंबर पहले ले जाएगा और मैक्सिमम नंबर लास्ट में ले आएगा। जीरो अगर माइनस में भी है, अगर माइनस वैल्यू भी, तो माइनस में जो सबसे बड़ा उससे पे चलेगा, नहीं तो जीरो से लेके जो भी मैक्सिमम वैल्यू है मात्र, डबल में भी यही करेगा, ठीक है, कैरेक्टर में भी यही करेगा, ए टू जेड सॉर्टिंग अपने हिसाब से कर देगा जो भी है, ठीक। तो ये सॉर्टिंग भी आ रहेगी। अब इस एरे के अंदर हमने इनपुट लिया था, स्ट्रिंग टाइप के एरे में इनपुट ले लेते हैं, एआरआर ऑफ जीरो एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, वन नेक्स्ट प्रिंट लिखा था, ये स्ट्रिंग है तो नेक्स्ट लाइन, एंटर नेम, यहां मैं इसको चला देता हूं एआरआर डॉट लेंथ तक, और नीचे एरे प्रिंट कर पा देता, पहले नेम ले उसके बाद प्रिंट कर दे, सिंपल। हाँ वही कर रहा हूँ, स्कैनर करवाएंगे, ठीक है। उसकी लेंथ मैंने 5 दी है, 5 बार नेम लेगा और एंटर कर देगा, ठीक है। अब ये पांचों नेम एरे के अंदर आ गए। हाँ, सॉर्टिंग करके भी प्रिंट करा सकते हैं कि सॉर्ट करने के बाद प्रिंट करें, ठीक है। तो ये तो बेसिक इनपुट लेने का तरीका है, क्लियर है ये चीजें? बेसिक्स में इनपे कोई कंफ्यूजन? हाँ, क्लास नहीं, क्लास के स्कोप में नहीं करवा सकते, मेथड के अंदर ही करवाएंगे। क्लास के अंदर सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन होती है या वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, एरे डॉट सॉर्ट की लाइन में इसके अंदर नहीं लिख सकता यहाँ पे, ठीक है, मेन मेथड या किसी और मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिख। तो ये हो गई आपकी सिंपल सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हटा रहा हूं, ये प्रोग्राम समझ आया? सिंपल बेसिक एरे बना रहा, प्रिंट कर रहा कुछ, अब ये तरीका जो है लूप का, ये तरीका एरे प्रिंट करने का है। अब हमारे पास 3 के बाद चौथा फोर्थ लूप आता है, फॉर इच लूप, जो मैंने कहा था हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
ये लूप सिर्फ और सिर्फ एरे या कलेक्शन, आगे कलेक्शन भी पढ़ेंगे, एरे की तरह होते हैं, प्रिंट करने के काम आता है और कुछ नहीं। इसका तरीकेकार लिखने का क्या है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, यहां से हम लिखेंगे फॉर ब्रैकेट ओपन एरे किस टाइप, एरे के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट है इस एरे, तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर ए सेमीकॉलन ए आर। अब ये लूप चलेगा और ए के अंदर ए आर आर के एक एक एलिमेंट को रख के लाता रहेगा, पहली दफा चलेगा तो ए आर आर का पहला एलिमेंट, दूसरी दफा चलेगा ए आर आर का दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, तीसरी दफा चलेगा ए आर आर का तीसरा एलिमेंट आ जाएगा ए में, और यहां पे हम ए प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट हो गया, ये फॉर ईच लूप कहलाता है, ठीक है, इसका काम सिर्फ प्रिंटिंग का है। अब इस ए में आप इसको किसी भी तरह प्रिंट करवा सकते हैं, मैं इस तरह करवा सकता हूं, नेम जिस तरह चाहे करवा सकते हैं, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। हाँ, अगर इंटीजर है तो आपको फिर यहां पे आईएनटी लिखना पड़ेगा, एरे के अंदर जो एलिमेंट हो, ये जिस टाइप का एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट है, अगर इंटीजर एरे है तो ये आईएनटी लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास किसके अंदर, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्ट्रिंग क्लास इंटीजर को आईएनटी लिखेंगे हम यहाँ, अगर ये किसके सिर्फ प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, बाकी काम के लिए नहीं, बाकी काम के लिए क्यों नहीं होता, नहीं ऊपर चेंज नहीं, अगर इंटीजर करते हैं फिर ऊपर चेंज करना पड़ेगा, अगर इंटीजर कर दूं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस देख, हम एक काम करते हैं, ये लूप हटा रहा हूं मैं, ये लूप रखते हैं, यहां मैं कहता हूं कि जब ये लूप चले, If ARR of I equals है, dot equals लगाते थे Smith के, ARR of I से मुराद कोई भी एलिमेंट जो Smith के इक्वल है उसको चेंज कर दे, ARR of I को इक्वल कर दे कुछ और, नेम चेंज कर देते हैं एंड। अगर इसको आई का मतलब है सारे एलिमेंट उठा के ला रहा है, कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसमें स्मिथ लिखा हुआ है उसको चेंज करके एंटर कर दो, हम मेन एरे में चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया ये वाला कोड। हाँ, इक्वल जो है ये वाला बिल्कुल सेम काम इसका ये है, इक्वल इक्वल, क्योंकि ये स्ट्रिंग पे नहीं चलता इक्वल्स ना, ये वाला ये नंबर्स पे चलता है, इसलिए मैंने वो इक्वल्स इस तरह रखा। तो जब ये एरे ये लूप चल जाए तो हम नीचे एरे को प्रिंट करवाते हैं कि एरे अब क्या है, अब देखें मार्क स्मिथ की जगह क्या एंड्रयू और बाकी वही वैल्यूज है, स्मिथ की जगह एंड्रयू डेव फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये चेंज हो गया ओरिजिनल एरे में इसके जरिए। अब इस मेथड को हटा के मैं लगाता हूं वो वाला फॉर लूप, और इसमें ये लगाते हैं ए डॉट इक्वल्स स्मिथ, ए इक्वल टू एंड, अब देखें अब इसने चेंज नहीं स्मिथ, तो ये वाला एरे जो है ये
ओरिजिनल पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, चेंजिंग का सिर्फ पिक करेगा, सिर्फ रीड कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, सही है? आउटपुट देखा उसका, ठीक है। सेकंड लूप के जरिए क्या हुआ कि पहले में तो एंट्री आ गया था, नीचे में स्मिथ चेंज नहीं हुआ, स्मिथ अपनी जगह ओरिजिनल, उसने अपने स्कोप तक के लिए चेंज कर दिया, लेकिन बाहर ओरिजिनल एरे पे चेंज ही नहीं, तो वो जो पहले वाला लूप था वो बेटर है अगर आप चेंजिंग भी करना चाहते हैं तो। सिर्फ प्रिंटिंग करनी है तो नीचे वाला फॉर ईच बेस्ट। सही है? लेकिन इस क्लास के अंदर एक मेथड बना रहा हूं मैं, पब्लिक वाइड प्रिंट दिस स्ट्रिंग एस प्रिंट एस, ठीक है। ये क्या करेगा? हेलो प्रिंट करेगा, ऐसे कंपाइल करेगा तो ये हेलो प्रिंट करेगा, माइनस लेकिन अगर उसको चलाना चाह रहे तो फिर हमें ऐसे कंपाइल करेंगे तब भी नहीं, कि प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम कॉल कर ही नहीं सकते, है ना? तो ये तो एरर दे देगा कि प्रिंट दिस क्या है, तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये सिंपल हेलो प्रिंट करते हैं, जो हमने पास किया आर्ग्यूमेंट वो प्रिंट होगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू पास करेंगे प्रिंट हो जाएगी, तो वेरिएबल हम यहां से पास कर देते हैं। अगर मैं लिखूं स्ट्रिंग एस इक्वल टू पाकिस्तान और यहां पे एस पास कर दूं, पाकिस्तान प्रिंट कर देगा, सिंपल, ठीक है, याद है ना ये चीज। अब इसमें हम ये पास नहीं करते, हम इसमें कहते हैं स्ट्रिंग टाइप का एरे ले लें एज एन आर्ग्यूमेंट, और यहां पे इसको प्रिंट कर दे इस तरह से। अब इस मेथड को पता नहीं है जो एरे आया है उसकी लेंथ कितनी है, कुछ भी हो सकती है, फॉर ईच भी लगा सकते हैं, ये भी, मतलब ये भी चल जाएगा जो मैंने लगाया एस डॉट लेंथ, वो भी चल जाएगा, दोनों से प्रिंटिंग हो जाएगी। लेंथ बता दी ना मैंने एस डॉट लेंथ, मतलब यहां से नहीं पता इसको कि जो एरे आया उसकी क्या लेंथ है, तो यहां पे लेंथ वाला इसलिए काम आता है जो हमने देखा था, ये एरे यहां रख के यहां से मैं पास कर देता हूं, यार यहां से पास होगा और यहां प्रिंट कर देगा, इस तरह प्रिंट कर रहा है, मतलब एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। ऊपर कैसे? नहीं, क्योंकि हम मेन मेथड से मेथड कॉल कर रहे हैं, मेथड को यहां से कॉल कर रहे हैं, वो फिर मेथड से बाहर हो जाएगा ना, वो तो क्लास का हिस्सा बन जाएगा, हम उस क्लास की फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं, अगर उसी में मौजूद होता उसको पता होता क्या है, हम एक्सटर्नल तरीके से दे रहे हैं। अब भी प्रिंटिंग कर देगा एज एन आर्ग्यूमेंट दिया, सही है?
क्लियर नहीं? देखें इसमें हमने क्या किया कि एरे एग्जांपल क्लास के अंदर एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग एरे टाइप का इनपुट ले रहा है, और ये क्या कर रहा है जब हम यहां से एरे बना रहे हैं, ये एरे पास कर रहा है एआरआर, ये एआरआर जा रहा है यहां पे एस के अंदर, पूरा का पूरा एरे उठ के जा रहा है एस में आ गया। अब यहां पे हम एस को प्रिंट करवा रहे हैं सिर्फ या एस के साथ, हाँ मतलब यहां पे हम एआरआर है किसी भी टाइप का वेरिएबल हो, किसी भी नेम का वेरिएबल हो, वो यहां हम पास कर रहे हैं एआरआर। तो इसको नहीं मालूम कि वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो किस नाम से कहां मेमोरी में, सिर्फ डेटा उठा के लाता है। तो एआरआर के अंदर जो डेटा है ना वो लेके आएगा यहां पे और एस में रख देगा, सही है। जैसे अगर मैं इसको यहां से हटाऊं, यहां हम स्ट्रिंग ए इक्वल टू पाकिस्तान देते हैं और यहां पे ए पास करूं, एस, अभी यहां से ए की वैल्यू लेके जाएगा, इसका मतलब है मेरी वैल्यू लेके जाओ, ए की वैल्यू जाके एस में रखेगा और एस को प्रिंट कर देगा। उसका अलग ऑब्जेक्ट नहीं, इसी का, इसी के अंदर पास कर रहा है, हाँ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सही है, एरे को तो अगर जब डिक्लेयर करेंगे ना तो वो तो ऑब्जेक्ट, एरे तो पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, जब इनिशियलाइज भी साथ कर रहा है ना, एरे जब मैं बना रहा हूं इसकी जगह पे तो एरे इस तरह बन रहा है, अब जो पास हुआ है वो एरे हुआ है, तो ये कहेगा मैं स्ट्रिंग नहीं लूंगा, स्ट्रिंग टाइप का एरे दूंगा। अगर हम इसको स्ट्रिंग देते हैं ऐसे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग फाउंड स्ट्रिंग एरे, मिसमैच हो गई टाइप, कि हमने नीचे से एरे पास कर दिया, यहां से ए एरे और वहां पे स्ट्रिंग, हाँ इसको इस तरह लिखते हैं, अब ये एक्सेप्ट करता, ठीक है समझिए। आप प्रिंटिंग में वो आएगा जो अजीब से नंबर आएगा प्रिंट करने पे आते, तो एरे डायरेक्ट प्रिंट कर दो तो ये आता है ना, अजीब से नंबर आ जाते। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखें देखें इसमें हम इसलिए करेंगे कि जो एरे है, मिसाल के तौर पे हमें एरे में कोई काम परफॉर्म करना हो और एरे हमें कोई और दे रहा हो, कि आपको एक फैसिलिटी बना के दे रहे हैं कि आप दो एरे दें, दोनों को मैच करके बताते हैं कितने इक्वल है, कितने परसेंट इक्वल है, तो मैं एक मेथड दे दूंगा मैचिंग के लिए, एरे आप मुझे दो मैचिंग मैं करके दूंगा। जैसे इसी एरे के अंदर, इसी के अंदर हम देखते हैं इस तरह से, ये मेथड एक स्ट्रिंग टाइप का एरे और एक इंटीजर टाइप का एरे, दो एरे ले रहा है, ठीक है। पहले हमने हमने रख दिया मार्क स्मिथ, तीन वैल्यू दे देते हैं इसमें, दूसरा एरे बनाया बी, इसमें इनकी एजेस रख दो,
और यहाँ पे कॉमा देके बी भी पास कर दिया, ए इसमें चला जाएगा, बी इसमें चला जाएगा। ये मेथड प्रिंट कर रहा है, एस एस आई, मैंने यहां पे इसको जे कर लिया, हाँ अगर मैचिंग करनी इक्वल्स का लग जाएगा, जो एरे में काम किया सारा काम यहाँ लग जाएगा। सर यहाँ पर वो सॉर्ट भी लगा देते हैं, सॉर्ट भी हो जाएगा। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखें कि ये मेथड प्रिंट कर रहा है हमारे फॉर्मेट में जो फॉर्मेट हमने दिया है। Mark is 23 years old, Smith is 24, Dave is 30. दो एरे को मिला के आउटपुट दे रहा है। अगर मैं इसमें सॉर्टिंग कर दूं यहाँ पे एरेस डॉट सॉर्ट एस, तो अब ये पहला नाम पहले देगा डेव मार्क स्मिथ। अगर एरे डॉट सॉर्ट इंटीजर से कर दो सबसे छोटी है जिसकी वो पहले देगा वैसे ही पहले आ रहा है, ठीक है, तो सॉर्टिंग से प्रिंट करा सकते, मतलब एज एन आर्ग्यूमेंट अगर पास करना है तो ये मेथड है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें ये दो एरेज बनाए हैं, मेमोरी में ये इस तरह बनाएगा अपने आप को, ए नाम का एरे इसमें दो ब्लॉक्स 0 1 इनके अंदर डेटा होगा, दो भी डेटा है, ठीक है, ऐसे ही बनता है मेमोरी। अगर इंटीजर टाइप का है ये एरे, एक एरे मेरे पास है इंटीजर टाइप का एज, इसके अंदर 20 और 28 जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स, ऐसी मेमोरी को सेव होता है। इसके अंदर एक उससे ये भी है कि इसको हम 0 1 में डिवाइड कर दें, ये जो कॉलम है 0 इसको फर्दर डिवाइड कर दो कि इसके अंदर भी 2 बना 0 0। अगर इसमें और होते हैं मतलब सेकंड भी होते हैं, यहां मैं डेटा रख रहा हूं 20 30 40 50 60। अच्छा, इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी फर्दर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम दो तक करते हैं, आगे कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद होता था क्यों हमें मुश्किल आ जाती है इसमें ना। अब एज के 0 पे फर्दर मांगेगा, 0 पे से कौन, अब मैं इसको बोलूंगा एज के 0 इंडेक्स के ही अंदर कौन सा वाला 1, एज के 0 का 1 पे, एज के 0 का 0 एज के 2 का 0, जरूरी नहीं 0 1 हो, ये भी ज्यादा हो सकता है 10 तक 20 तक, ये भी ज्यादा हो सकता है, ये भी इंडेक्स, लेकिन जितने हैं सबके सेम हो,
जीरो के अगर 10 है तो 1 के भी 10, 2 के भी 10, सही है, ये कहलाता है टू डायमेंशन एरे या मल्टी डायमेंशन एरे। एरे के अंदर हम एरे रखते हैं, एलिमेंट ही रखते हैं, एरे ही रखते हैं। कैलेंडर हो सकता है, कैलेंडर भी कह सकते हैं कि ईयर है, ईयर के कैलेंडर में मंथ रखते हैं, मंथ के अंदर फर्दर डेज रखते हैं। रो कॉलम बना दो, रो और कॉलम बनाता हूँ उसमें, रो कॉलम, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक। अब ये बनता कैसे है कि इसमें एच टू जो है जीरो ऑफ टू अवेलेबल नहीं है, तो यहां पे ही क्या करेगा, एरर जो एक्सेप्शन देता था एरर इंडेक्स ऑफ द फॉर्म, तो जीरो के अंदर थोड़ा सा टू नहीं, हाँ जीरो के अंदर वन है, स्टोर कैसे करते हैं, हाँ वो सेंटेक्स अभी दिखाता हूँ, कंसेप्शन क्या नहीं हुआ, सही। तो इसके अंदर ये मान लीजिए इसको, इसी टेबल को थोड़ा सा स्टार लेते हैं, कैसे कि अगर ये मेरा जीरो इंडेक्स है, इसके अंदर 20, वन इंडेक्स पे 40, टू इंडेक्स पे 60, सेम ही चीज है, थोड़ा इस तरह लिख दिया, ये समझ आया। तो ये जो है हमारी, ये हो गए रोज, रोज होती है हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर कितनी रोज है, एक दो तीन, और ये हो जाते हैं कॉलम्स, इसके अंदर दो कॉलम्स, इस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं, सब रोज और कॉलम्स को, राइट, ठीक है। इस तरह जो सिंगल इसके अंदर मल्टीपल एच के जीरो का जीरो, एच के जीरो का वन, एच के जीरो का वन, सॉरी एच के जीरो का जीरो, एच के जीरो का वन, एच के वन रो का जीरो या वन रो का, देखें एच के वन का जीरो, एच के वन का जीरो, ठीक है। एच के वन का जीरो तो ऊपर वाला होगा ना, नहीं यहाँ से काउंट होगा, एच का जीरो उसके अंदर फर्दर डिवीजन ऐसे से वन का एच के वन का जीरो, तो ये जो एज है ना, ये आपको बोलेगा मेरे पास ये डेटा है, ये पूरा डेटा मौजूद है, ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा है, सर ये सब वन का है, नहीं ये जो है ना पूरा डेटा मौजूद है जीरो पे, ये पूरा डेटा मौजूद है वन पे, ये पूरा डेटा मौजूद है टू पे। अब आपको टू के अंदर कौन सा चाहिए, तुम्हें टू के अंदर का वन चाहिए, टू के अंदर का टू चाहिए, तुम्हें टू के अंदर का जीरो चाहिए, तो टू के अंदर का जीरो 60 है, 2 के अंदर का 170 है, 70 है, सही है। ये तो दो डायमेंशन है, तीन डायमेंशन में क्या होता है कि इसके अंदर भी एरर होते हैं, मतलब इसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं, वो थ्री डायमेंशन उसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे फोर डायमेंशन पर, मोस्टली टू से थ्री, थ्री से आगे यूज नहीं होता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, ठीक है, टू में भी होगा, फोर फाइव में एक बार ही होगा। जब चेस का गेम आजाद हुआ था, कभी हिस्ट्री सुनी ना आपने, चेस का गेम जब बना था, तो चेस के गेम जब जिसने बनाया था, एक बादशाह के लिए बनाया था, प्रेजेंट किया था एक वजीर ने, तो बादशाह को बड़ा पसंद आया, उसने कहा ये भी बहुत अच्छा है, इसमें दिमाग खुलता है, स्टडी भी मिलती है, जंग की बहुत अच्छा, तो मैं खुश हूँ, तुम तो मांगू क्या इनाम मांगू, हाँ तो उसने कहा भाई मैं जो इनाम मांगूंगा आप दे नहीं सकोगे, तो बादशाह बोलते हो ऐसा क्या इनाम हो, उसने कहा चेस के जो बोर्ड है ना, आप एक बोर्ड के एक खाने पे एक चावल की बोरी रखो, दूसरे पे उसको डबल कर दो, तीसरे पे उसको डबल कर दो, तो बादशाह बड़ा आ रहा हूँ इतने चीज में मुझसे मांग रहा हूँ, उसने कहा आप करो, तो 13वें खाने पे आके उसकी पूरी सल्तनत खाली हो गई, तो ये मल्टीप्लीकेशन में भी
कभी नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह आजकल बहुत चल रहा है, वो सुना हो तो उसमें बताते हैं आप इस लेवल पे जाओ, इस लेवल पे जाओ, आपको मस्त कर, तो इतने लेवल पे कोई नहीं आता, 5-6 लेवल पे पूरा आपका पाकिस्तान की आबादी खत्म हो जाती है, 13वें लेवल पे प्राउड हो जाता है, ऐसे ही होता है, पहले पे 1, फिर 2, फिर इसका डुप्लीकेशन 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ठीक है, और आपस में ऐड भी हो गई, तो 256 तक आते आते ये तकरीबन 3000 कुछ करते हैं, तो उसके बाद 512 मजीद, फिर 1024, 2048, 4096, 8124 जो भी डुप्लीकेशन, तो ये डुप्लीकेशन का गेम बड़ा खतरनाक होता है, तो ये टू डायमेंशनल तक सही है, उसको एक तक यूज करेंगे, इसके इसके मजीद यूज करना है तो आगे कलेक्शन होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, थ्री डायमेंशन वहाँ यूज होता है गेमिंग, ज्यादातर गेम्स वगैरह में यूज करता है, कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स है सर, हमें पसंद ही नहीं है गेम्स वगैरह ग्राफिक्स होते हैं वहाँ पे अक्सर लोग यूज करते हैं। उसमें मल्टीपल फर्दर रो कॉलम होते हैं कि पहले के कितने रो कॉलम है, फिर उसके अंदर जो उसके कितने रो कॉलम, इस तरह रो कॉलम के अंदर वाला आपको पूछेगा पहले का पूछना है या उसके अंदर वाले का रो कॉलम, तो उसके डिवाइड करेगा। डिक्लेयर किस तरह करते हैं ये स्ट्रिंग, अच्छा जो उसके अंदर होंगे ना वो लाजमी है कि सेम होंगे,